हेलो दोस्तों, रंजन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू मेजर फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग यूनिवर्सल काउंटर। तो यूनिवर्सल काउंटर के बारे में बता दूं कि यूनिवर्सल काउंटर क्लास मैंने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है, आपका वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं यूनिवर्सल काउंटर का फुल डिस्क्रिप्शन। फिर मैं एक दो लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल काउंटर है क्या चीज़। इसलिए यूनिवर्सल काउंटर इज ए डिवाइस विच आर यूज टू मेक मेजर द टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड टाइम इंटरवल। इसलिए हुआ क्या कि टाइम पीरियड के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट, फ्रिक्वेंसी के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंटरवल के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता। तो इन तीनों इंस्ट्रूमेंट या तीनों डिवाइसेस को मॉडिफाई करके एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया गया और उस डिवाइस का नाम रख दिया गया यूनिवर्सल काउंटर। यानी यूनिवर्सल काउंटर इज ए सिंगल डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड टाइम इंटरवल। अब देखिए हम यूनिवर्सल काउंटर से फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। अब जैसे फ्रंट पैनल से आप सिलेक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी मोड में, तो फ्रीक्वेंसी मोड में जैसे सिलेक्ट होगा क्या क्या सर्किटरी उसके अंदर सिलेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे है आपका इनपुट, इसको बोल देंगे इनपुट हमने ए दिया हुआ, चैनल ए वन बोल दीजिए। इस वाले को आप बोल सकते हैं चैनल बी या चैनल सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर, स्मिथ ट्रिगर के बाद आप देख रहे हैं ट्रिगर पल्स या पल्स ट्रिग। तो कैसे जनरेट हो, बेसिकली क्या है इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको इनविजिबल विजिबल नहीं है, बट यहाँ पे है क्या चीज, डिफरेंशिएटर विथ क्लिपर सर्किट। बेसिकली है क्या चीज, डिफरेंशिएटर विथ क्लिपर सर्किट, जो क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है पल्स ट्रेन में। अब जो यहाँ पल्स ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पे हर एक पल्स ट्रेन डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है एक दूसरे से टाइम पीरियड पे, एक पल्स कंप्लीट होने के बाद एक दूसरे से वो मतलब डिफरेंशिएट हो रहा है। अब देखिए बेसिकली अब कैसे हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी, इस पे चलते हैं। अब जिस सिग्नल का आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है उसको अप्लाई कर देंगे इन चैनल वो ए पे या वन पे। जैसे आपने अप्लाई किया यहाँ पे क्या एटेन्यूएटर एंड एम्पलीफायर है, यानी यहाँ पे अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ लो है तो यहाँ पे एम्पलीफाई होगा, अगर सिग्नल का स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा है तो क्या करेगा एटेन्यूएटर, एटेन्यूएट करके उसको एक जो डिजायरेबल लेवल है उस लेवल पे ले आएगा। देन द सिग्नल इज गिवन टू द स्मिथ ट्रिगर। इसलिए आप जानते हैं क्या है, यहाँ पे जो हम सिग्नल देंगे ये आपका क्या होगा साइनोसोइडल सिग्नल होगा। तो क्या करेगा स्मिथ ट्रिगर, उस सिग्नल को स्क्वायर पल्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा ये होगा आपका स्क्वायर पल्स, ठीक है। और स्क्वायर पल्स में जो है तो बस इसके बाद क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएटर विथ क्लिपर सर्किट लगा हुआ, जो क्या करेगा इस स्क्वायर वेव को कन्वर्ट कर देगा पल्स ट्रेन में। अब सेम टाइम पे आप यहाँ पे भी टाइम बेस्ड सिलेक्टर है, यहाँ से एक सिलेक्ट कोई एक सिलेक्ट करेगा। बेसिकली अगर हम बात करें अगर आपको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है उस केस में ये जो स्विच है वो सिलेक्ट किसको करेगा वन सेकेंड। बेसिकली अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। अगर सिग्नल के टर्म्स में बात करते हैं तो एक सिग्नल जो एक सेकेंड में कितना टाइम कितने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल। तो दैट्स व्हाई वी आर सिलेक्टिंग इन वन सेकेंड, यहाँ पे टाइम बेस्ड सिलेक्टर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर जो 1 MHz फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट कर रहा है, ये बेसिकली क्या होगा साइनोसॉइडल होगा। स्मिथ ट्रिगर उसको क्या कर रहा है कन्वर्ट कर देगा इसमें स्क्वायर वेव में। अब देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करने के मतलब डिवाइडर लगा रखे हमने, क्या कर रहे हैं डिवाइडर से हम क्या कर रहे हैं टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जब बात करें एफ इक्वल टू 1/T, ये क्या चीज होता है आपका रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। अब यहां से आप देख सकते हैं अगर फ्रीक्वेंसी हम कम करेंगे तो टाइम पीरियड आपका क्या होगा बढ़ेगा, या हम टाइम पीरियड कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी को 10 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड है 1 सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब इस टाइम पे क्या होगा आपका जो सिग्नल है यहाँ से आएगा आपका स्मिथ ट्रिगर पे, स्मिथ ट्रिगर ट्रिगर पे, ठीक है। स्मिथ ट्रिगर स्क्वायर में कन्वर्ट, स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है पल्सेस है, क्या आपका गेट फ्लिप फ्लॉप है। जो गेट फ्लिप फ्लॉप है तो गेट फ्लिप फ्लॉप ये बेसिकली स्क्वायर वेव जनरेटर एक टाइम पे क्या होगा ये हाई होगा, और इसका जो आउटपुट बेसिकली ये भी क्या है स्क्वायर वेव भी होता है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। अगर जनरली हम बात करें हाई और लो का लो हाई और लो बेसिकली बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप का ये चीज है स्क्वायर वेव जनरेटर है। अब देखिए जो सेकेंड इनपुट है वो गेट फ्लिप फ्लॉप से आ रहा है बी पे,
किस पे आ रहा, बी पे। अब देखिए बी पे जैसे भी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट अगर हाई होगा तो आपका जो एक गेट होगा मेन गेट जिसको हम बोलते हैं एंड गेट है, ये मेन गेट है, इस टाइम पे आपका जो एंड गेट होगा वो इनेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा इनेबल। दैट पीरियड में क्या होगा कि अब ये ट्रेन ऑफ पल्सेस स्टार्ट पासिंग थ्रू द एंड गेट एंड रीचेस टू द डेसिमल काउंटर। अब कब तक ये पास होगा कि अब देख रहे हैं कि जैसे ही आपका सेकेंड पल्स में क्या होगा, आपका जो गेट फ्लिप फ्लॉप है इसका जो आउटपुट है वो टॉगल कर जाएगा। सेकेंड टाइम बेस पल्स द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप टॉगल एंड आउटपुट गोज लो, यानी यहाँ पे आउटपुट उसका लो हो जाएगा। अब इस अगर आपने यहाँ पे एक सेकेंड सेलेक्ट किया हुआ है उस सेकेंड के वन सेकेंड के पीरियड में जितना ट्रिगर पल्स यहाँ से पास हुआ, पल्स ऑफ ट्रेन पास हुआ वो काउंटर क्या करेगा, काउंट करके डिस्प्ले कर देगा, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट अननोन सिग्नल। दोस्तों आशा करता हूँ ये अननोन सिग्नल। अब देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ कि हम कुछ बच्चों क्या होता है समझ लेते हैं बट लिख नहीं पाते। देखिए क्या है वही चीज, द इनपुट सिग्नल व्हिच फ्रीक्वेंसी इज टू मेजर इज गिवन टू द फर्स्ट चैनल ऑफ द यूनिवर्सल काउंटर, यानी जिस सिग्नल का आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है वो आप अप्लाई कर देंगे फर्स्ट चैनल जिसे हम चैनल ए बोल रहे हैं, वहां पे आपने दे दिया। देन इट रीचेस द प्री एम्पलीफायर थ्रू एटेन्यूएटर, थ्रू द एटेन्यूएटर प्री एम्पलीफायर इसको बोलते हैं एम्पलीफायर बोलते हैं, प्री एम्पलीफायर थ्रू एटेन्यूएटर कहां रीचेस द स्मिथ ट्रिगर वेयर द स्मिथ ट्रिगर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर वेव। वो क्या कर रहा है, सिग्नल को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया। देन देखिए क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटर सर्किट अलोंग विद क्लिपर नॉट शोन इन डायग्राम, इस डायग्राम में आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, प्रोड्यूसेस ए पल्स ट्रेन, पल्स ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए क्या, दिस ट्रेन ऑफ पल्सेस सेपरेटेड बाय द पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल, यानी टाइम पीरियड पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल। अब देखिए कोई इनपुट सिग्नल यहाँ पे है तो अब देखिए यहाँ पे है, इससे क्या हो रहा है पल्स ट्रेन सेपरेट हो रहा है, दीज पल्सेस आर अप्लाई टू इट इनपुट ऑफ द एंड गेट, यानी जो हमारा मेन गेट है यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं किसको, ए चैनल पे इस पल्स पल्स ट्रेन बन रही है ट्रेन पल्सेस को अप्लाई कर दिया। अब देखिए द टाइम बेस सिलेक्टर स्विच इज सिलेक्टेड टू द एप्रोप्रिएट रेंज, अब देखिए फ्रीक्वेंसी मेजर करना तब क्या रेंज सेलेक्ट करेंगे, वन सेकेंड, द टाइम बेस पल्सेस आर गिवन टू द स्मिथ ट्रिगर वेयर द रीचेस टू द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप द फर्स्ट टाइम बेस पल्स। अब जैसे फर्स्ट टाइम बेस पल्स यहाँ पे आया द गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप एंड आउटपुट गोज हाई, उस केस में क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो हाई हो गया एंड देयरफॉर द बी इनपुट ऑफ द एंड गेट विल बी हेल्ड हाई स्टेट दस एनेबलिंग द एंड गेट। उस टाइम पे आप क्या कर दिया, इस गेट को ऑन कर दिया, एनेबल कर दिया। अब एनेबल होते ही क्या होगा, आउटपुट आपको मिलना शुरू होगा, यानी पास होना पल्स ट्रेन क्या होगा एंड गेट से पास होना स्टार्ट होगा, यानी देयरफॉर द इनपुट सिग्नल एनेबलिंग द एंड गेट देयरफॉर द इनपुट सिग्नल पल्सेस प्रेजेंट एट द ए ऑफ द एंड गेट आर अलाउड टू रीच टू द डेसिमल काउंटर। अब पल्सेस ट्रेन ए प्रेजेंट है वो अलाउड है कहां पे चला जाने के लिए, डेसिमल काउंटर पे, द काउंट स्टार्ट एंड द एंड गेट विल बी एनेबल एज लॉन्ग एज इट्स बी इनपुट इज हाई, जब तक इसका इनपुट हाई रहेगा तब तक क्या होगा आपका एंड गेट एनेबल रहेगा और काउंटिंग चलता रहेगा। द सेकेंड टाइम बेस पल्सेस गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप टॉगल द आउटपुट टॉगल, टॉगल से मतलब क्या हुआ, हाई है तो लो टॉगल्स एंड इस आउटपुट गोस लो देयरफॉर द बी इनपुट ऑफ द एंड गेट गोज लो, जैसे ये बी इनपुट ऑफ द एंड गेट यहाँ पे क्या हुआ लो हुआ तो जो आपका एंड गेट है वो डिसेबल हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा एंड द इनपुट पल्सेस आर रीचिंग टू द डेसिमल काउंटर, द डेसिमल काउंटर विल काउंट द इनपुट पल्सेस ओनली फॉर द पीरियड बिटवीन फर्स्ट टाइम बेस पल्स एंड सेकेंड टाइम बेस पल्स, उस दोनों पल्स के बीच एनेबल और डिसेबल के बीच के जो पीरियड है उसमें उसमें क्या होगा आपका सिग्नल पल्सेस जो होंगे पास आउट पास हुए हैं, ठीक है, सक्सेसफुल काउंटर उतना ही काउंट करेगा पल्सेस को, फिर जितना पास हुआ उतना ही काउंट करेगा, कितने पास हो रहे हैं
जब फर्स्ट पल्स से हाई हुआ और सेकंड पल्स आने से पहले जो बीच का पीरियड इन पीरियड में नंबर ऑफ पल्स ट्रेन जो पास हुए वो काउंट है, उसको काउंट कर लिया। अब देखिए इफ वी सेलेक्ट द टाइम बेस्ड पल्स विथ 1 सेकंड, यही बात बोला मैंने, 1 सेकंड जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय वेवफॉर्म इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वही हमने इफ यू सेलेक्ट टाइम बेस्ड पल्स 1 सेकंड ड्यूरेशन द डेसिमल काउंटर विल काउंट द नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस प्रेजेंट ड्यूरिंग द 1 सेकंड, दिस काउंट विल बी डिस्प्लेड विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, यानी 1 सेकंड में जितने नंबर ऑफ पल्सेस पास हुआ और डेसिमल काउंटर काउंट करके डिस्प्ले कर दिया, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हाउ टू मेजर फ्रीक्वेंसी थ्रू यूनिवर्सल काउंटर आप लोगों को समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम कि हाउ टू मेजर टाइम पीरियड एंड टाइम इंटरवल बाय यूजिंग यूनिवर्सल काउंटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।